अस्सलाम वालेकुम एवरीवन कैसे हैं आप सब होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बहुत अच्छे हैं वेलकम बैक टू माय चैनल तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉगन टीचर के पास जा रहे हो पढ़ने अरबी पढ़ने जा रहे हो कि ट्यूशन अरबी और ट्यूशन दोनों <laughs> तो ये वही है जो मैंने आप लोग को दिखाया था एक बार कि मैं ले के आई थी बट अभी तक अनबॉक्सिंग नहीं किया था मैंने और अभी तक मैंने बेड पे इसे बिछाया भी नहीं था तो मैंने सोचा चलो आज बिछा भी देती हूँ और आप लोग को भी दिखा देती हूँ इसका कलर देखिए कितना प्यारा है बहुत ही प्यारा कलर है और इसका सबसे बड़ी बात यह है कि इसका पिलो कवर तो बहुत ज़्यादा बड़ा है जो कि मेरे पास इतना बड़ा पिलो भी नहीं है कि मैं इतना बड़ा पिलो इसमें डाल सकूँ तो फिर भी ट्राई करूँगी कि देखती हूँ मेरा पिलो कवर इसमें आएगा तो फिर आप लोग को दिखाऊँगी ये देखिए हसन भी वहाँ पे आके कैमरा जब स्टार्ट होता है तो हसन आके हाय बाय बोलते रहता है फ्लाइंग किस भी दे रहा है आप लोग को तो चलिए गाइस बेड पे लगा के देखते हैं कैसा लगता है ये बेडशीट मेरा मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है पहले से ही बहुत ही अच्छा लग रहा है इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि लाइट कलर मुझे बहुत पसंद है मुझे डार्क कलर थोड़ा कम पसंद है इसलिए मैं लाइट ही जो भी बेडशीट वगैरह लेती हूँ तो वो लाइट कलर ही लेती हूँ और मुझे बेड शीट बिछाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है बेड शीट बिछाना मुझे पसंद ही नहीं है लेकिन क्या करूँ बिछाना तो पड़ता ही है एक दिन जब मुझे वॉश करना रहता है तो एक दिन सोचती हूँ फिर दूसरे दिन वॉश करूँगी फिर उसके बाद कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं तुरंत बेड शीट वॉश करने के लिए निकाल देती हूँ बट उसको एक दो घंटे बाद बेड पर बिछाती हूँ क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है हेडेक हो जाता है कि अभी बेडशीट बिछाना है बहुत ज़्यादा दिक्कत लगता है मुझे उसके बाद मैंने ये पिलो कवर में पिलो को डाल दिया है लेकिन आ तो नहीं रहा था बट मैंने एडजस्ट कर दिया है क्योंकि अगर बेडशीट के साथ पिलो ना रखो तो अच्छा भी नहीं लगता है उसका सेट रहता है, तो भी अच्छा लगता है और हॉल में मैं एक पिलो ज़रूर रखती हूँ कि जिसको रेस्ट करना रहता है वो सो जाता है हस्बैंड भी बैठे रहते हैं तो काम करते करते वो यहीं पर सो जाते हैं दिन में भी रोज़ा है तो वो काफ़ी ज़्यादा यहीं पर रेस्ट करते हैं और मेरे बच्चे लोग मैंने बेडशीट लगा दे तो आके ट्राई कर रहे थे कि कैसा लग रहा है सोने में उसके बाद चलिए आ जाते हैं किचन की तरफ आज मैं आप लोग के साथ बटरफ्लाई चिकन रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि खाने में तो बहुत ही मज़े की लगती है एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा ये मैंने बोनलेस चिकन ले लिया इसे अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने छोटे छोटे पीस करने के बाद मैंने वॉश किया था उसके बाद मैं एक लेमन जूस इसमें ऐड कर रही हूँ एक स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूँगी और नमक भी यहीं पे मैं ऐड कर दूँगी उसके बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद मैरिनेशन के लिए रख दूँगी एक घंटे के लिए कम से कम अगर आपके पास टाइम है तो दो तीन घंटे भी रख सकते हैं लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने बस एक घंटा ही रखा था क्योंकि एक घंटे भी काफ़ी होंगे उतना मेरे लिए तो काफ़ी था मैंने सोचा था कि दो घंटे तीन घंटे पहले रखूँगी लेकिन चिकन नहीं आया था हमारे घर में बाद में ये हस्बैंड जा कर लेके आए इसलिए लेट हो गया नहीं तो फिर मैं काफ़ी पहले ही रख देती उसके बाद मैंने अच्छे से हाथ से ही मिक्स किया था इसे अब मैं इसे ढक के एक घंटे के लिए रख दूँगी उसके बाद मैं और भी मसाला ऐड करूँगी इसमें चलिए एक घंटे तो हो गए और भी मसाला मैं ऐड कर देती हूँ इसमें एक स्पून मैंने चिली पाउडर ऐड किया है इसमें उसके बाद मैंने थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड किया है आप ज़्यादा नहीं ऐड करना है आपको क्योंकि ब्लैक पेपर अगर ज़्यादा हो जाता है तो टेस्ट ख़राब हो जाता है बहुत ही स्पाइसी हो जाता है अच्छा भी नहीं लगता है खाने में उसके बाद मैंने एक स्पून ज़ीरा पाउडर ऐड किया भुना हुआ ज़ीरा मैंने ऐड किया था उसके बाद मैंने दो स्पून कॉर्नफ्लावर ऐड किया कॉर्नफ्लावर से क्या होगा क्रिस्पी बहुत ही क्रिस्पी बनेगा बहुत ही अच्छा बनेगा और ये मैंने कबाब मसाला ऐड किया है आपके पास कोई भी कबाब मसाला हो तो आप ऐड कर लीजिए क्योंकि कबाब मसाला हो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कबाब मसाला नहीं होगा तो ये आपका अच्छा नहीं बनेगा कबाब मसाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपके पास सिक्सटी फाइव वाला मसाला है तो वो भी ऐड कर सकते हैं चिकन सिक्सटी फ़ाइव भी बहुत ही अच्छा होता है उसके लिए लेकिन मेरे पास सिक्सटी फाइव नहीं था मैंने कबाब मसाला ऐड किया है बहुत ही अच्छा बना था मेरा अगर आप देखेंगे आगे तो आपको पता चलेगा ये मैंने एक पिंच फूड कलर ऐड किया है ये कलर जो था मेरा चिकन का बहुत ही लाइट मुझे लग रहा था इसलिए मैंने एक पिंच फूड कलर ऐड कर दिया इससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा और देखने में बहुत ही प्यारा लगेगा अगर आप आगे मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ कितना अच्छा बना था और कितना अच्छा कलर भी आया था उसके बाद मैं इसे मैरिनेट के लिए थोड़ी देर रख दूंगी जब तक मैं और भी काम कर लेती हूँ ये मैंने आलू ले लिए हैं दो आलू बड़े साइज के ले लिए हैं और इसे मैं ऐसे स्लाइसेस में कट कर लूँगी जैसे हम लोग आलू का चिप्स बनाते हैं बिल्कुल उसी तरफ लेकिन ये थोड़ा मोटा होगा मतलब इसकी ज़्यादा होगी थिकनेस बहुत ज़्यादा नहीं होगी बस डबल होगी जैसे कि हम लोग आलू का चिप्स बहुत ही पतला बनाते हैं तो ये थोड़ा सा थिकनेस होगा बस उससे डबल होगा जब हम लोग चिकन को इसमें एडजस्ट करेंगे तो ये आसानी से फोल्ड हो सके इसलिए थिकनेस थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए पतला रहेगा तो फिर हम लोग उसको एडजस्ट नहीं कर पाएंगे वो खुद ही टूट जाएगा आलू ऐसा होता है कि वो जैसे एडजस्ट करो वैसे हो जाता है लेकिन अगर पतला रहेगा तो वो टूट जाएगा हमारा आलू जो है ये देखिए मैंने ऐसे सारे आलू को कट कर लिए हैं बिल्कुल इसी तरह आपको भी अगर बनाना है तो इसी तरह कट करना है बहुत ही आसानी से हो जाता है कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है और जो किनारे किनारे का पार्ट था वो साइज़ में बहुत छोटा हो जा रहा था इसलिए मैंने इसे निकाल दिया है ये देखिए मेरे आलू का साइज़ बहुत ही अच्छा है उसके बाद मैं एक चिकन को इस पर एडजस्ट करूँगी ये देखिए बिल्कुल इसी तरह आपको करना है जैसे जैसे मैं बता रही हूँ बिल्कुल इधर से आप करेंगे तो आपको बहुत ये आसानी से हो जाएगा और ये टूथपिक मैंने पहले से वॉश करके रख लिए थे ये देखिए बहुत ही अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था दो तीन पानी से इसलिए कि ये लोग कैसे रखे रहते हैं कहाँ पे रहता है कैसे रहता है तो अच्छा नहीं लगता है उसके बाद बिल्कुल इसी तरह आपको एडजस्ट करना है आलू के ऊपर टूथपिक को उसी में एडजस्ट कर, कर लेना है बहुत ही अच्छे से एडजस्ट कर लेना है आराम आराम से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा नहीं तो आपका जो आलू है टूट भी सकता है ये देखिए सारे ऐसे ही आलू और चिकन को मैं एडजस्ट कर लूँगी बटरफ्लाई की तरह बिल्कुल बटरफ्लाई का सेप लग रहा है देखो बहुत ही जल्दी बन भी जाता है और खाने में तो बहुत ही अच्छा लगता है और इफ्तार के दस्तरखान पर तो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में और इतना टेस्टी होता है गैस में क्या बताऊँ आपको बहुत ही अच्छा लगता है आलू तो वैसे हर जगह एडजस्ट हो जाता है जैसे कि पता है आप लोग को कि आलू को कोई भी फ्लेवर दो वो आपने में एडजस्ट हो जाता है और आलू भी अच्छा भी लगता है सबको खाने में आलू मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है वैसे मैं आलू का सब्ज़ी बहुत ही कम बनाती हूँ लेकिन आलू मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि घर में हस्बैंड जो है आलू नहीं खाते मेरे बच्चे लोग को भी आलू नहीं पसंद है इसलिए मैं आलू कम बनाना पसंद करती हूँ मेरा क्या है मैं तो कुछ भी बनाती हूँ और खा भी लेती हूँ तो ये देखिए मैं एक एक करके ऐसे एडजस्ट कर दी हूँ बहुत ही अच्छे से बन जा रहा था और देखने में तो बहुत ही प्यारा लग रहा था एक बार ज़रूर गाइस ट्राई करिएगा आप लोग अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा और सबको खिलाइएगा सब बहुत खुश हो जाएंगे और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा सारे बटरफ्लाई चिकन को मैंने आलू में एडजस्ट कर दिया है बिल्कुल इसी तरह आप लोग को भी करना है देखिए कितने अच्छे से एडजस्ट हो गया मैं आप लोग को दिखाती हूँ पास से जूम करके देखिए कितने अच्छे से एडजस्ट हुआ और कितना प्यारा लग रहा है उसके बाद मैंने पैन में तेल को डाला बहुत ही अच्छे से मैंने गरम कर लिया था बस गरम किया था ज़्यादा हीट नहीं किया था मीडियम हीट किया था ताकि आ, आलू डालू तो वो जले ना अगर आप ज़्यादा गरम कर लेंगे तो आलू को डालेंगे तो वो तुरंत जल जाएगा क्रिस्पी भी नहीं हो पाएगा और अच्छा भी नहीं लगेगा आप बोलेंगे कि आपकी रेसिपी अच्छी नहीं है अगर आप मेरी तरह फॉलो करेंगे तो आपकी रेसिपी बहुत ही अच्छी बनेगी तो आप लोग अगर ट्राई करेंगे तो ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी कैसी लगती है आपको वैसे किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आपकी रेसिपी बहुत ही अच्छी होती है उसके लिए थैंक यू सो मच उसके बाद मैं इसे लो फ्लेम पे ही फ्राई करूँगी मीडियम फ्लेम पे भी नहीं मुझे फ़्राई करना है क्योंकि अगर मैं मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई करती हूँ तो मेरा चिकन जो वो अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो पाएगा और कुक भी नहीं हो पाएगा और जो आलू है वो बहुत जल्दी जल जाएगा आपको पता है कि आलू बहुत जल्दी जल भी जाता है मैंने इसे लो फ्लेम पे ही फ्राई किया था आप देख सकते हैं कि मेरे गैस का फ्लेम कितना लो है आपको भी नहीं दिखाई दे रहा होगा कि कितना लो मैंने किया था इससे क्रिस्पी भी बहुत ही अच्छा बनता है और आलू भी अच्छे से कुक हो जाता है चिकन भी अच्छे से कुक हो जाता है इसके बाद मैंने एक एक करके सारे चिकन को फ्राई किया है और ये बटरफ्लाई चिकन तो बहुत ही अच्छा लगता है एकदम यूनिक रेसिपी है गैस बहुत ही मज़े की बनती है और बच्चे लोग भी देख के शौक से खा लेते कि ये क्या है क्या है मेरे बच्चे लोग तो बटरफ्लाई को उड़ा रहे थे बटरफ्लाई को उड़ा रहे थे इसलिए कह रहे थे कि बटरफ्लाई बटरफ्लाई करके खेल भी देते हैं और खा भी देते हैं बहुत ही मज़ा आया था गाइस अगर एक बार ट्राई करेंगे तो आपको पता खुद खुद चल जाएगा कि हाँ ये रेसिपी बहुत ही यूनिक है बहुत ही अच्छी रेसिपी है मुझे गारंटी है आप लोगों ने किसी ने बना के भी इस तरह की रेसिपी नहीं खाई होगी ये मैंने मैं एकदम न्यू रेसिपी आप लोग के लिए लेके आई हूँ ज़रूर ट्राई करिएगा और ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग से कि ज़रूर ट्राई करिएगा और ज़रूर खाइएगा बहुत ही मज़े की लगती है चलिए मेरा बटरफ्लाई चिकन जो है वो तो रेडी हो चुका है अभी ये लास्ट बचा हुआ है तो मैंने सोचा चलो इसको भी फ्राई कर लेती हूँ और ये है चिकन कटलेट कबाब जो इसके पहले ब्लॉग में मैंने आप लोग के साथ रेसिपी शेयर की थी बस वही था लेफ़्ट ओवर था तो मैंने सोचा इसे भी फ्राई करके दस और पर रख लेती हूँ और ऊपर से मैंने बटरफ्लाई चिकन में थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर दिया इससे क्या होगा चटपटा सा लगेगा बहुत ही मज़े का लगता है तो ये हमारा इफ्तारी जो है वो रेडी हो चुका है तो ये है जूस रूह का जूस है वाटरमेलन ग्रेप्स एंड ये ड्रैगन फ्रूट्स है मेरे बच्चे लोग को ड्रैगन फ्रूट बहुत ही पसंद आता है गाइस इतना पसंद आता है मैं क्या बताऊँ आप लोग को और ये हमारा बटरफ्लाई चिकन और ये कटलेट कबाब तो? ये। ये क्या है बटरफ्लाई वाह yeah. wow, बच्चे को बोलने आता है बटरफ्लाई बोलो स्पीक यस अच्छा है तो गाइज़ ये नेक्स्ट डे मैं आप लोग पुरी के साथ पानी पूरी की खट्टी मीठी सी चटनी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ही मज़े की लगती है बहुत ही अमी होती है शायद आप लोगों ने किसी ने ट्राई भी किया होगा तो चलिए शुरू करते हैं ये मैंने पुदीना सॉरी पुदीना मैंने नहीं लिया था यहाँ पे मैंने ढेर सारा हरा धनिया लिया है और दो हरी मिर्ची अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक थोड़ा सा पानी यहाँ पर ऐड करके मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी ताकि अच्छे से स्मूथली वो रेडी हो सके अगर आप चाहें तो यहाँ पे लेमन भी ऐड कर सकते हैं लेकिन मैंने लेमन ऐड नहीं किया है इसलिए कि बहुत जगह मुझे लेमन ऐड करना है तो बहुत ज़्यादा खट्टा सा हो जाएगा तो इसलिए मैंने यहाँ पे लेमन ऐड नहीं किया ये देखिए हमारा स्मूथ सा चटनी कितना अच्छा रेडी हो चुका है मैं जा रही हूँ इमली की खट्टी मीठी सी चटनी बनाने ये मैंने इमली को पहले ही मतलब दस पंद्रह मिनट पहले ही मैंने भिगोया था ज़्यादा मैंने देर तक नहीं भिगोया था क्योंकि अभी इसे ग्राइंड कर करूँगी तो वो हो जाएगा उसके बाद मैंने इसमें डाला था एक हरी मिर्ची और थोड़ा सा नमक डाला था मैंने और यहाँ पे मैंने चार से पाँच स्पून शुगर ऐड किया था मतलब कि चीनी मैंने ऐड किया था आप यहाँ पे चाहे तो गुड़ भी ऐड कर सकते हैं बट मेरे पास गुड़ था मुझे दिख नहीं रहा था मेरा गुड़ किधर रखा हुआ है इसलिए मैंने नहीं ऐड किया लेकिन गुड़ से और भी अच्छा बनता है गैस अगर आपने ट्राई किया होगा तो ज़रूर बताइएगा तो मेरी चटनी दोनों बन के रेडी हो चुकी है बहुत ही मज़े की चटनी बनी थी गाइस हरा धनिया वाला चटनी तो हाँ चलो नॉर्मल लग रहा था अच्छा ही लग रहा था लेकिन इमली की चटनी इतनी प्यारी बनी थी इतनी अच्छी बनी थी कि मैं क्या बताऊँ हम लोगों ने सारी इमली की चटनी ही खाई थी पूरी एक कटोरी ख़त्म हो गई थी उसके बाद मैं छोले को रेडी कर लेती छोले को मैंने पहले से बॉईल करके कर रखा हुआ था उसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था और थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाला था एक पिंच मैंने खाने वाला सोडा ऐड किया था उसके बाद मैंने चार से पाँच सीटी लगाया था उसके बाद कुक होने के बाद मैंने इसे बॉल में निकाल लिया था और मैंने इसमें प्याज एक प्याज़ एक टोमेटो चार से पांच हरी मिर्ची चिली पाउडर ज़ीरा पाउडर और हाफ लेमन जूस भी मैंने यहाँ पे ऐड किया था इससे क्या होगा टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और पूरी में डाल के खाने से बहुत ही मज़ा आता है ये वाला बहुत लोग होते हैं आलू भी डालते हैं मैं भी आलू वाला बनाती हूँ लेकिन आज मैंने सोचा कुछ यूनिक सा बनाती हूँ कुछ डिफरेंट ट्राई करती हूँ और जुहान को तो बहुत ज़्यादा पसंद है ये सब इतना पसंद है गाइस मैं क्या बताऊँ आपको मैंने एक बॉल पानी ले लिया है इसमें और हरा धनिया और हरी मिर्ची को मैंने ग्राइंड कर लिया था उसे ऐड कर दिया है और यहीं पे मैंने नमक भी ऐड कर दिया है आप चाहे तो ब्लैक वाला नमक जो आता है वो ऐड कर सकते हैं उससे भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और मैंने इमली का पानी भी ऐड किया था यहाँ पर आप अपने हिसाब से इमली का पानी ऐड करिएगा जितना आपको खट्टा चाहिए उतना ऐड करिएगा और हाफ़ लेमन जूस मैंने ऐड किया है और ज़ीरा पाउडर मैंने ऐड किया था भुना हुआ ज़ीरा पाउडर ऐड किया था उससे क्या होगा बहुत सौंधी सौंधी सी खुशबू आएगी बहुत ही अच्छा लगता है बहुत ही मज़े का बनता है गाइस पानी पूरी तो वैसे सभी को पसंद आता है आप में से किसको किसको पसंद है गाइस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ मुझे भी पसंद है मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है हम लोग कभी कभी बाहर स्ट्रीट फूड भी खाते हैं स्ट्रीट पे जाके ही खाते हैं पानी पूरी क्योंकि जोहान को इतना ज़्यादा पसंद है पूरी कि मैं क्या बताऊँ आप लोग को बता भी नहीं सकती उसको कितना ज़्यादा पसंद है उसकी डिमांड दस दिन पहले से थी कि पानी पूरी बनाओ पानी पूरी बनाओ करके लेकिन मैं नहीं बना रही थी क्योंकि उसको थोड़े दिन पहले चिकन पॉक्स निकला हुआ था आप लोगों को जैसे मैंने बताया था कि उसको चिकन पॉक्स आया है तो चिकन पॉक्स में बोलते हैं स्पाइसी नहीं खाना चाहिए और डॉक्टर ने भी मना किया था कि स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं खाना है बिल्कुल लाइट फूड खाना है इसलिए मैं नहीं बना रही थी तो फाइनली आज मैंने बनाया तो वो देख के खुश हो गया बहुत ज़्यादा खुश हो गया था इतना ज़्यादा वो खुश हो गया था कुछ भी नहीं खाया सिर्फ पानी पूरी ही खाया वो खाना भी रात में नहीं खाया था वो तो ये रहा मेरा आज का व्लॉग अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करना ना भूलें तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें तो मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक ले अल्लाह फेस टेक बाय बाय अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा